कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी आता ही नहीं है, जिसके ज़रिए से वाटर टैंकर हर हफ्ते में दो बार वाटर टैंकर बुलवाया जाता है। लेकिन एक चीज़ की तरह मैं आप लोगों को मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो अगर वो 8 घंटे चल रहा है और वो 2 टन का है, वो कम से कम आपको रोज़ाना 20 लीटर से भी ज़्यादा पानी बना के देता है। पानी एसिडिक होता है, ठीक है, पीने के काबिल तो नहीं है, लेकिन उस पानी को आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? उस पानी को आप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो पानी आप बाथरूम साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पानी आप पौधों में डालने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बराए करम उस पानी को ज़ाया ना होने दें। जी, अब हमारे घर में बहुत सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच है, कोई भी प्रॉब्लम सब सामने डिस्कस करते हैं। वाटर शॉर्टेज को डिस्कस किया घर पे बैठ के, या 6 ऑफ अस और हमारे जैसे सर ने एसी के पानी का कहा, हमारे 4 कमरों में एसी चलता है ओवरनाइट। तो मम्मा और मैंने हमने जो बाहर से पाइप्स निकाल के उनको बकेट में कलेक्ट किया है और मासी उसी से पोछा लगाती है और जो बचता है पानी वो हम लोग उससे वो रैक्स वगैरह धोती है और उसी से हमारी गाड़ियाँ धोती हैं। उसी बचे हुए पानी से पौधों को पानी दिया जाता है और जब पानी बचता है तो हम वो फ्लश के लिए यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी घर जाके हर बंदा क्या कर सकता है, जिनकी घर में खुला पानी आता है वो क्या कर सकता है पानी बचाने के लिए।